नमस्कार दोस्तों, मिथुन और राहुल जी बताएंगे मेडिकल में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। बताइए आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था, रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के आज तक कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए। नहीं, मैं तो 9 तारीख को रिपोर्टिंग किए थे, उसके बाद अंदर घुसाने के बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट सारा हो जाने के बाद फिर फिजिकल लेते हैं मेडिकल, वो सारा हो जाने के बाद फिर वो एक्सरे और ब्लड और यूरिन के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, तो 9 तारीख को कितना बजे एंट्री किए, कितना बजे बाहर निकले? 9 तारीख को 7:30 में एंट्री किए थे और शाम में 7 बजे छोड़े थे। और फिर 10 को? 10 को ऐसे बुलाए थे लेकिन वो कुछ किए नहीं। कितना बजे बुलाए थे? 8 बजे मॉर्निंग में। हाँ, तो दिन भर बैठे रहे आप लोग? हाँ, दिन भर बैठे रहे। शाम को बोला गया आज कुछ नहीं होगा? नहीं। 11 को? 11 को आज वही 4 बजे घुसे थे रिजल्ट लेने के लिए, उसके बाद 1 घंटा हम निकाल दिया। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यस। तो इस पूरा प्रोसेस में आपसे कहीं कुछ ऐसी गलती हुई जो गलती आपको लगा कि नहीं करना चाहिए था? नहीं नहीं, इसी के आने वाले छात्र लोग उस गलती को ना दोहराए। नहीं, गलती तो हमसे नहीं, हम पूरी तैयारी करके आए थे। अच्छा, क्या क्या तैयारी करके आए थे? डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से ही सब रेडी रखे थे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखे थे? और जो इसमें तो मैंने जैसे जो शेड्यूल कास्ट का होते हैं ना, उसके लिए जाति आवासीय में जरूरी है, और जिसका जो हाइट नहीं पूछता एनेक्चर 8 उन्हें भी लाते हैं ना, जो नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छा सा आए, और जो बीपी का टेस्ट होता है उसमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो मतलब कि आपका सपना पूरा हो रहा है? अभी देखिए मेरिट आएगा तो हो जाना चाहिए। क्या लगता है मेरिट में कितना बढ़ेगा? मेरिट में नंबर वही, हमको मेरे हिसाब से तो लगता है 6 से 7 नंबर बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, आपका नंबर कितना है? मेरा 63 है। नॉर्मलाइज्ड? यस यस। नॉर्मलाइजेशन से पहले 61 था। 61? हाँ। आपका दौड़ कहाँ हुआ था? सिम्बो में। कितना मिनट में मार दिए थे? वो 20 मिनट लगा था। चेस्ट? चेस्ट मेरा फूल जाता है। कितना? 82 से 90 है। अच्छा, हाइट? हाइट 176। वेट? 62 kg। 62 kg जी। इसके अलावा और किसी परीक्षा को क्रैक किया है? नहीं, इससे पहले भी हम गए थे SSC के 2015 में, उसमें फिट गए थे लेकिन मेरिट में नहीं कर पाए। तो दौड़ में ही जाने का सपना है आगे आपका मित्र? जी ठीक है। कौन है आपका मित्र ये? हाँ, इनका भी हो गया मेडिकल। हाँ, इनको भाई भाई बोलिए। हाँ, बताइए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? वो मेडिकल हुआ। हाँ, काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुश, सब तो कुछ ओके हो गया तो फिर अच्छा लगेगा है ना किसी को भी। तो बताइए रिपोर्टिंग टाइम क्या था, रिपोर्टिंग डेट क्या था, रिपोर्टिंग डेट से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए। ओ, हम लोग को मतलब 9 तारीख को था, मतलब उस दिन में कंप्लीट नहीं होने पाया, फिर 10 तारीख को बुलाया। हाँ, उस दिन भी नहीं हुआ, फिर आज शाम तक नहीं कम्प्लीट किया। कितना लड़का लोग पास हुआ? वो तो नहीं बता सकते हैं ना, हम लोग खुद लेट से आए आज सामने। लेकिन आप खुद पास हो गए? हाँ। अभी और भी लड़का लोग अंदर में? अंदर में महा बचा हुआ है कुछ लड़का सब। कितना फिर भी? लगभग ज्यादा नहीं होगा, 50-60 पास होगा। अच्छा, तो आते समय सोचे थे कि मेडिकल पास होकर जाएंगे? हमको तो पहले से कॉन्फिडेंस था, मतलब कहीं भी मतलब डॉट नहीं था कि मतलब कुछ छड़ाएंगे। सो कट ऑफ कितना पड़ेगा अभी इसको तो नहीं बता पाएंगे। कितना नंबर है आपका? मतलब 60 नंबर आसपास है। 60 नंबर? हाँ। बढ़ करके कि बढ़ने से पहले? मतलब बढ़ के उतना है मेरा। अच्छा, बढ़ने से पहले कितना था? मतलब वही 56 था। 56। दौड़ कहाँ हुआ था? CRPF वहाँ ध्रुवा। अच्छा, कितने मिनट में कंप्लीट कर लिए थे दौड़? जो मतलब 19-20 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। हाइट? हाइट मेरा 1.65 है। चेस्ट? चेस्ट 77 कितना था याद उतना ज़्यादा नहीं है। वेट? हाँ, वेट 52 के जी। आने वाले स्टूडेंट लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? मतलब मैं इसके लिए तो मतलब तैयारी करना पड़ेगा ना, कंपटीशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा इसके बारे में ना। अच्छा, इस पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपसे कहीं कुछ गलती हुआ जो गलती आपको लगता है नहीं करना चाहिए था, ताकि आने वाला स्टूडेंट लोग उस गलती को ना करें? गलती वही ऐसा तो गलती तो मेरे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और कोई फाइनल मैसेज? ऐसा तो फाइनल कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक। मेडिकल हो गया ना? जी हो गया। पकड़िए, क्या नाम हुआ? पिंटू राव। पास हो गए मेडिकल? हाँ हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आपका रिपोर्टिंग डेट क्या था, रिपोर्टिंग डेट से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? जी 9 तारीख को मेरा सुबह 7 बजे 7:30 बजे रिपोर्टिंग डेट टाइम था। हाँ।
और उसके बाद फिर 3 दिन लग गया थे करने में, मेडिकल पूरा करने में। अच्छा। आज जाके पूरा फाइनल रिजल्ट दिया। हाँ। साथ में कौन है? साथ में मेरे भाई हैं, मेरे साथ ये भाई को माइक दीजिए जी। कैसा लग रहा भाई, मेडिकल पास हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि पहले नौकरी है मेरे भाई का। अच्छा। और हम उनसे बड़े हैं, लेकिन मैं दौड़ में छट गया। हाँ। और मेरे छोटे भाई, बस जिस दिन से मैं दौड़ में छटा था उस दिन से सोचा था कि मैं कम से कम अपने भाई को नौकरी करते देखना चाहता हूँ। हाँ। और बस ये सपना पूरा हुआ, बस मेरिट लिस्ट का बात है। काफ़ी मेहनत की है भाई के लिए लगता है? सर बहुत सर, बचपन से बस करते आ रहे हैं दोनों भाई। तो ये बताइए कि काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख जी। सोचे थे कि 3 दिन लगेगा मेडिकल में? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था, 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन इतना दिन लगा दिए। आने से पहले नर्वस वगैरह थे कि मेडिकल में कैसे होगा, क्या होगा? हाँ, बहुत नर्वस थे। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा कि नर्वस होने की जरूरत था? नहीं, ऐसा तो कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं था। तो अभी जो आपको स्टूडेंट लोग देख रहे होंगे वो लोग नर्वस होंगे, आप उनको ऐसा क्या मैसेज देंगे कि वो नर्वस नहीं हो? जी, पहला दिन तो लगेगा कि आपको अति, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नर्वस होने कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मतलब अपना जो अति होगा का, मतलब कानून, मतलब जो अति होगा मेडिकल का जो करना हो कर ले, अति कर ले। मेडिकल जांच की बात करें तो कान जांच कैसे हो रहा है? कान जांच मतलब मशीन लगा रहे हैं, मतलब अति में कान में, और वही पर बता रहे हैं कि साफ है कि नहीं, मतलब नहीं साफ। और आँख जाँच? आँख जांच में हो रहा है, कलर बनाने 16 दिखाती है और अति बस। और नाक? नाक बस ऊपर से ही देख रहे हैं नाक। अच्छा। दांत? दांत भी देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा। आप लोग साथ में ही हैं, ठीक है। और कोई फाइनल मैसेज? जी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कहीं आपसे कुछ ऐसा गलती हुआ जो गलती आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, ताकि आने वाला स्टूडेंट लोग गलती ना करें? गलती मतलब हम थोड़ा नर्वस हो गए थे वहाँ पर जाके। हाँ, मतलब खड़ा किया था थी में, मतलब आई टेस्ट कर लिया, तो वहाँ पर कुछ बोलना था उतना दूरी में, तो उसे बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा, थोड़ा तो आज कितना स्टूडेंट लोग पास हुआ? आज कम से कम 50 स्टूडेंट पास हो गए। और भी स्टूडेंट लोग अभी अंदर में है? हाँ, ठीक है, थैंक यू। एंड आपको फाइनल मेरिट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।